ओके दोस्तों, आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ में वापस। अभी ये वाले मैच में मैं कहलाता सोलो वर्सेस स्क्वाड और आया था इस डिस्ट्रिक्ट में। तभी मेरे अलावा ये अकेला बंदा आता है। अब ये वाला बंदा अकेला क्यों उतरा मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाले मैच में तबाही बहुत होने वाली है। अब फिलहाल यहाँ पे मैं इस डिस्ट्रिक्ट में उतरा था और यहाँ पे कोई और बंदा तो आता नहीं। फिलहाल इसको मैं लूट वूट कर लेता हूँ घर को, और सामने वाले बंदे को भी फिनिश करने वाला था, क्योंकि हो सकता है कि अब इसके टीममेट आ जाए इसको रिवाइव देने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं चला जाता हूँ उसको फिनिश करने के लिए, और फिलहाल इसको मैं भर भी देता हूँ क्योंकि ये वाला बंदा मेरी तरफ ही आ रहा था। और जैसे जब मैंने इसको बड़ा फिर यहाँ पे कोई और तो होता नहीं है, तो यहाँ से मैं लूट पूट करके यहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे बंदों की तलाश थी। अब आ जाता हूँ मैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे एक बंदा था, फिलहाल इसको देखना कैसे बढ़ते हैं। और जैसे इसको नोक किया, इतनी एचपी डाउन कर दी यहाँ पे, पता नहीं लेवल 2 की वेस्ट थी, लेकिन इससे पहले मैंने इस पर फाइट गया था। हो सकता है कि कुछ यूज कर रहा हो, या नहीं कि हाई डैमेज वगैरह कुछ भी हो सकता है, कन्फर्म। लेकिन भाई इसने इतना डैमेज कैसे कर दिया मुझे नहीं पता। फिलहाल इसको मैं नोक करके डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ ताकि इसका बंदे आए ना। अब यहाँ से मैं निकलने वाला था कि मुझे पता चलता कि ड्रॉप आ चुकी है, वो भी फ्लेयर एक नहीं दो दो। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ कैनन की तरफ, क्योंकि ड्रॉप लुटने थे और ड्रॉप पे बंदे भी होंगे ऐसा मैं सोच रहा था। और एक नहीं दो थे, तीन तीन स्कोर थी वहाँ पे। अब आ जाता हूँ मैं ये वाली जगह पर। अब फिलहाल ऊपर से फायर आता है, तो मैं जाता हूँ बंदों को देखने के लिए यहाँ पे, देखो अब क्या होता है। फिलहाल मैं जा ही रहा था कि तभी मुझे साउंड रहा था कि कोई बंदा ऊपर लेटा हुआ है। अब इसको मैं देखना इतना डैमेज दूंगा, लेकिन भाई ये नोक होने का नाम मिलेगा। फिलहाल देखो यहाँ पे आके मैं गाड़ी रोकता हूँ। अब बंदा दिखता है मुझे, अभी दूसरी स्क्वाड का बंदा था, उसने जिसको मैं डैमेज देता हूँ उसको फिनिश कर दिया। लेकिन तभी मैं इसको नॉक करता हूँ और डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि वो वाला बंदा इसका किल लेना चाहता था। और एंड देन मैंने इसको भर दिया। अब भर दी इस घर वाले बंदे की, और देखो फिलहाल इसको भरते हैं रेड वाले देखो, क्योंकि ये वाला बंदा ऊपर आ जाता है। और भाई क्या नशेड़ी बंदा, जब इसको पता है कि ऊपर बंदा, लेकिन फिर भी ऊपर आके लेट जाता है ये। और जैसे इसको नोक किया, मैं इसके ऊपर तुरंत रश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था इसका बंदा जरूर आएगा, और ऐसा होता भी है। मैं इसको फिनिश करने नहीं जाता क्योंकि मुझे पता था इसका टीममेट इसको रिवाइव देने आएगा। और देखो फिलहाल बेचारा ऊपर वाले बंदे को मारने में इतना पागल हो जाता है, इसको पता नहीं चलता कि ऊपर की जगह मैं नीचे आ चुका हूँ। अब ये सोचता कि मैं ऊपर ही हूँ, लेकिन एंड देन ये वाली स्क्वाड को भी भर देते हैं इसी के साथ, ये वाली डुओ के साथ, मतलब इसकी स्क्वाड पूरी पूरी फिनिश हो जाती है। अब यहाँ से फिलहाल मैं लूट कर लेता हूँ, लूट करने के बाद आता हूँ ये वाली हिल पे। अब यहाँ पे भी दो बंदे थे, एक के पास AWM थी, और मैं मतलब क्लोज जाता तो हो सकता कि दोनों बंदे मेरे पे इजिली भर दे, लेकिन दूर रहता तो भी वो शॉट मतलब AWM से मेरे को फायर करके मार सकता था। और देखो फिलहाल एंड देन दोनों रश करते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना जायरो पूरा घुमा दिया था, लेकिन इस वजह से मेरी यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी स्लो हो गई। और एंड देन ये वाली टीम को भी भर देते हैं। अब यहाँ से मैं AWM उठा लेता हूँ, और आगे जाके एक फटका देखने को मिलेगा आपको। अब देखो फिलहाल फटका देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब मैं आता हूँ ये वाली जगह पे। अब यहाँ को फायर आता है, ऊपर से कोई बंदा मेरे को बीट कर रहा था, बुला रहा था मतलब कि हाँ मुझे मार। अब दिखता है मेरे को वो, फिलहाल पहले तो मुझ तरफ देखता हूँ लेकिन यहाँ पर नहीं दिखता, तभी मुझे घास में लटा हुआ दिखता है। अब देखो फिलहाल इसको कैसे नॉक करते हैं, और भाई बेचारा के साथ बहुत गंदा स्कैम हो गया। और जैसे इसको नोक किया, डायरेक्ट मैं इसको फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि भाई इसका टीममेट हो सकता है इसका ड्राइव दे दे। और यहाँ से मैं इसके टीममेट को मारने के लिए आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे वाली फाइट देखना, अब इनको समझ में नहीं आया कि इतना डैमेज देने के बाद ये बंदा मरा क्यों नहीं। ऐसा अक्सर होता है कि जब आप बंदे को पूरे पूरी गोले उतार दो, लेकिन एंड देन ये वाला बंदा बिल्कुल 1 HP था, और मैंने इसको इतना डैमेज दिया, क्या कर सकते हैं, नशेड़ी गेम है, सहना पड़ता। अब लगाते हैं मैं सेकंड मैच। अब ये वाला मैच होता है डुओ। अब पहले वाला मैच सोलो वर्सेस स्क्वाड था, लेकिन ये वाला मैच में डुओ ना, अब सामने वाली टीम की फाइट होती तो इस चीज़ का मैं फायदा उठाता हूँ, रश कर देता हूँ थर्ड पार्टी। फिलहाल देखो एक टीम बचती है, अब कैसे बचते हैं ये वाली टीम को भी।
और इसी के साथ योनी टीम भी फिनिश हो जाती है। और फिलहाल यहाँ से मैं लूट वूट कर लेता हूँ। लूट करने के बाद यहाँ पे मैं ये उठा लेता हूँ बोट। अब बोट उठाने के बाद मैं जाता हूँ सामने की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बाइक खड़ा हुआ था। अब मैं शोर हो जाता हूँ कोई ना कोई बंदा यहाँ पे है, और ऐसा होता भी है। अब दोनों बंदों को देखना कैसे पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरा इतना टाइम खराब होता है, अगर मैं इनको ना मारता तो यहाँ पे दूसरे बंदे को मारने के लिए जाता तो बहुत किल मिल जाते। लेकिन देखना फिलहाल ये वाली टीम को कैसे पड़ेंगे। अब ये वाली टीम में मैं मतलब देख रहा था कि कल कोई हलचल करे तो एक बंदा दिखता मेरे को, और मैं आ जाता हूँ सीधा घर में, क्योंकि यहाँ से मेरे को एंगल मिल रहा था। और ये वाले बंदे चले जाते सामने वाले बिल्कुल रेंज की तरफ। अब मैं श्योर हो चुका था क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मौका तो था, क्योंकि दोनों बंदे जैसे आएंगे तो बच सकता हूँ। तो मैं पे लेट जाता हूँ सामने की तरफ, क्योंकि मुझे पता था अगर दोनों में से कोई भी दिख गया एक बार नॉक कर दूँ तो दूसरे को मैं इजीली फिनिश कर दूँ, क्योंकि एंड द एंड वन वी वन की फाइट होगी। तो अब यहाँ पे लेटा हुआ था मैं, तभी पीछे से एक बोट आता है। अब उसको वो वाला बंदा मार देता है, कोशिश करता लेकिन एंड द एंड किल मेरे को मिलता है। अब देखो फिलहाल वाले बंदे रश करते हैं, और फिलहाल देखो इनको कैसे भरते हैं। और इसके साथ गई है स्क्वाड भी। अब ये वाले बेचारे बंदे बहुत देर से टीवी पे लेते थे कि कब मैं निकलूँ, कब ये निकले या मेरे को मारे मैं इनको मारूँ, और एंड द एंड ये वाली टीम को भर देते। अब आता हूँ मैं सीधा हिल्स पे, यानी कि रोजों की हिल पे। अब जैसे यहाँ पे आता हूँ तभी यहाँ पे एक टीम दिखती है। अब ये वाली टीम से मेरी थोड़ी बहुत लंबी फाइट तो चलती है, लेकिन एंड द एंड इनको भी भर देता हूँ। अब देखो फिलहाल यहाँ पे कैसे कैसे भरते हैं इनको। और इसी के साथ भरी जाती है ये वाली स्क्वाड भी। अब जैसे मैंने इसको भरा मेरे को पीछे से मतलब इन पे फायर आए थे, हो सकता था मेरे पे भी आए थे, लेकिन शोर नहीं था लेकिन फायर जरूर आया था। अब मैं देखता हूँ कि कौन बंदा इनको फायर करता। अब राइट साइड में बंदे हो सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी, तो मैं लेफ्ट साइड देखता हूँ। और एक बंदा मेरे को फायर करके डरा था कि मैं इधर हूँ, और देखो फिलहाल बेचारे को कैसे नॉक करते हैं। अगर उसके पास एम्प होती तो मेरे को ईजी ले जाता। और जैसे मैंने इसको नॉक किया, अब मैं इनके ऊपर घुसने वाला था क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने इसको नॉक किया तो ये रिवाइव तो हो सकता है, लेकिन भाई रिवाइव नहीं करता इसका बंदा। अब नशेड़ी बंदा था पूरा का पूरा। राइट में आपको एक सैक दिख रहा होगा छोटा सा, इस खोपचे में बैठा हुआ था, जबका भाई इसका टीममेट मेरे नीचे था बिल्कुल, मेरे को फुटस्टेप नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने उसको नोटिस कर लिया था। मेरे को तभी पीछे से साउंड आता कि कोई बंदा है पीछे भी, तो वहाँ पे देखो फिलहाल इसको नॉक करते हैं अब मैं। अब जैसे मैंने इसको नॉक किया तभी इसका टीममेट गुस्सा आ जाता है, और देखो फिलहाल मेरे पे फायर करता है और एंड द एंड उसको ही भरते हैं। अब जैसे इसको डैमेज किया जोन आ जाता है, और मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ सीधा जोन के अंदर, क्योंकि मेरे पास मौका था अगर दोनों बंदे जोन से बाहर आएंगे तो मैं इसलिए इनको भर सकता हूँ। ऐसा होता भी है, पहले आता राइट वाला बंदा, अब राइट वाले बंदे ने भी भाई उस बंदे को मतलब रिवाइव नहीं दिया, और ऐसा बंदा भाई सलाम ऐसे बंदे को। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, लेफ्ट वाला बंदा भी आ जाता है और राइट वाला भी। फिलहाल राइट वाले को देखते हैं फायर करता है मेरे पे, एंड एंड जोन का डैमेज खा था बारी थी इस वाले बंदे की, और ये भी मेरे पे रश कर देता है। और देखो फिलहाल ये नीचे बैठ के हिल मारने लगता है। अब जोन से आया था ये, उसको मैंने एक दो गोलियां कनेक्ट भी की थी, और देखो फिलहाल इसको कैसे भरते हैं। यहाँ से थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाता हूँ, और बेचारा देखो वहाँ पे बैंडेज मार रहा होता। अब देखो फिलहाल इसको कैसे भरते हैं। दैट्स इट यार, यही थी आज की गेम प्ले वीडियो। होप आपको पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना, चैनल पे नो सब्सक्राइब नहीं करता फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, अगर कोई भी बातचीत करना चाहते हो वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। और आपको मेरे साथ खेलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन आपको आईडी मिल जाएगी, जिसको सेंड करके मेरे को बता सकते हो कि मैंने इस नाम से क्वेश्चन किया, मैं आपके साथ खेल लूँगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम और गुड बाय।